दोस्तों रेलवे विभाग में लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष भर्तियां आयोजित की जाती हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में अभी भी उपलब्ध समय में ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा पर ज़्यादातर उम्मीदवारों की नज़रें टिकी हुई हैं, जिसमें एनटीपीसी सीवीटी 2 की परीक्षा 9 मई और 10 मई को भी आयोजित होने वाली है और उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। जिनकी एनटीपीसी सेकंड स्टेज की परीक्षा है वो जल्दी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इस खबर में बात करेंगे कि रेलवे में किस प्रकार टीटी और टीसी की बड़े पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। तो दोस्तों आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कितने पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। रेलवे में आवेदन करने वालों की संख्या की बात करें तो इसमें कोई भी ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के अंतर्गत पदों पर भर्तियां जारी होती हैं तो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ऐसे में आज रेलवे टीसी और रेलवे टीटी की भर्ती प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों नौकरियों में आप सिलेक्शन किस प्रकार पा सकते हैं। रेलवे द्वारा वर्ष में किसी किसी रेलवे बोर्ड में टीटी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की। रेलवे में टीटी बनने के उम्मीदवार का 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना विशेष जरूरी है। साथ ही टीटी बनने के लिए आवेदन करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा इसकी परीक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। टीटी की परीक्षा में आपसे कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैथ, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और जनरल रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। साथ ही कुछ सवाल रेलवे से जुड़े हुए भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे के सभी 17 जोन आरआरबी द्वारा रेलवे में बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी भी किए जाते हैं और समय समय पर रेलवे की वेबसाइट के जरिए आपको अपडेट भी दी जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों रेलवे विभाग में टीसी की भर्ती काफ़ी सुखमय भर्तियों में से एक है। इन भर्तियों में बहुत से पद अभी भी रेलवे के खाली हैं। ऐसे में आपको बहुत ही बेहतर सैलरी और बहुत ही बेहतर कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात की जाए रेलवे विभाग में टीसी और टीटी की सबसे अच्छी नौकरी है। इसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है और ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। ओवरऑल अगर किसी भी उम्मीदवार की फर्स्ट चॉइस रेलवे में पूछी जाए तो ज़्यादातर उम्मीदवार टीसी और टीटी की नौकरी के लिए आवेदन करना पसंद करते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।